हुआ चैनल। आज का वीडियो जो है वो डॉग के ग्रूमिंग के ऊपर होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये शेरू है, सिम्बा मेरा अंदर सो रहा है, तो ये शेरू की आज मैं पूरी तरह से ग्रूमिंग दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके डॉग सैलून में जाके पेट स्टोर्स में जाके ग्रूमिंग करवाते हैं, बट ये सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है। और हम हैं इंडियंस तो हमको पसंद है कि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होम रेमेडी के हिसाब से हो जाए। सो मैं भी कभी आज तक मैं डॉग ग्रूमिंग सेशंस के लिए बाहर नहीं गई हूँ। मैंने हर चीज़ घर पे की है, मैंने भी इंटरनेट से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। सो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मेरा सिम्बा और शेरा, सिम्बा मेरा 4 साल का हो गया और सिम्बा शेरू 3 साल का हो गया है, तो मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिसाइड्स सबसे पहली बात तो है कि इनके ईयर क्लीनिंग की, तो ईयर क्लीनिंग के लिए एक सैलिसिलिक एसिड, जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी, वो आपको उससे ईयर क्लीन करने होते हैं। बट अभी मेरे पास फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है, अगर होगा मतलब वो आपको ज़्यादा अमाउंट में लगता नहीं है, सो यू कैन कीप इट विद यू। अब मेडिकल स्टोर में वगैरह मिल जाता है डॉग का ईयर क्लेंसर। बिसाइड्स दैट अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आपको एक काम करना है, डिस्टिल्ड वाटर कहीं पर भी 2-3 रुपए का ये मिलता है डिस्टिल्ड वाटर। इसको ये नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, जो प्योरेस्ट वाटर होता है ये, और इसके साथ ये है अपना नॉर्मल विनेगर। इन दोनों को 50-50 मतलब परसेंट में, जैसे अगर ये 2 ml ले रहे हो तो ये 2 ml लेना है आपको, और कॉटन में उसको वाइप करना है ईयर। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी कि मैं कैसे करती हूँ। So I'll get this mixed. रुक जैसे ये मैंने ले लिया है बाउल, इसके अंदर मैं ये लगभग 5 ml की है तो मैंने वो डाल दिया है यहाँ पे, और इसी के मात्रा में मैं ये विनेगर भी ले लूँगी, नॉर्मल विनेगर है, इतना सा विनेगर और ये लेना है। सिट डाउन से शेरू, और एक स्टराइल कॉटन, ये स्टराइल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसको बॉइल्ड पानी में से एक बार निकाल लीजिए, पर ये मैंने नया कॉटन निकाला था तो मैंने नहीं किया है। सो टेक दिस कॉटन, डिप इट इन दिस सॉल्यूशन। शेरा सिट डाउन एंड सी, इधर आ बेटा, इसके ईयर्स को अच्छी तरह से इस तरह से ऐसे क्लीन करना है। ग्लव्स पहनने चाहिए बट अभी मैंने नहीं पहने हैं। उसके बाद बारी आती है कि आंखों को कैसे क्लीन करना है, तो ये बॉइल्ड वाटर में से एक बार ये कॉटन को ले लेना है और इसको अच्छे से फोल्ड करके इनके जो ईयर और आईज है उसको इस तरह से खोलना है, और बहुत ही जेंटली इस तरह से आपको आईज क्लीन करना है। और आपको भी मतलब ये कॉटन बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, आपके हाथ भी साफ होने चाहिए, देन यू शुड डू। अब मेरे को अभी ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, ग्लव्स आर हाईली रिकमेंडेड, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ मैंने रख दी है, बट मुझे वीडियो बनानी थी सो आई एम डूइंग दिस नाउ, अदरवाइज मैं बिना ग्लव्स के नहीं करती। तो बढ़िया से इनके इस तरह से आईज भी क्लीन हो गए। उसके अलावा स्किन के लिए इनके मैंने पहले भी बताया है कि मैं ये ब्यूटी कोट जो ऑयल आता है, बायोटिनोसारिन फिश ऑयल आता है, ये मैं उनको मतलब विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, दोनों बार दे देती हूँ, बाकी टाइम में हफ्ते में 2-3 बार ऐसे करके मैं इनके खाने में मिला देती हूँ इसको 1 स्पून। और इसके अलावा कंटिन्यूसली जो मैं इनको देती हूँ हमेशा, ये विदाउट फेल देती हूँ, ये है कोकोनट ऑयल। मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आपके पास जो भी होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो दीज टू थिंग्स आर फॉर द शाइन ऑफ देयर कोट एंड द हेल्थ ऑफ द कोट, बहुत यूज़फुल है। अब 4 साल से मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगा है, और ये बजट फ्रेंडली भी है, सो यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल। आप नॉर्मल पैराशूट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड शेरों को तो पैराशूट ऑयल इतना पसंद है वो खुद से भी पी लेता है, उसको अलग से खाने में मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दीज टू आई हाईली रिकमेंड व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ योर कोट एंड शाइन ऑफ इट।
उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो ये बीटाडीन का सोल्यूशन जो होता है, बीटाडीन आयोडीन, ये आपको हमेशा घर में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं खेतों में, रोड में कहीं पर, तो इनके ना हल्के हल्के कहीं स्क्रैच हो जाता है, कभी एक दूसरे के साथ खेलते खेलते इन लोग एक दूसरे की मार देते हैं, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी इनके लग जाता है। तो ये बीटाडीन हमेशा आपके पास होना चाहिए, छोटा मोटा कोई भी घाव हो, जैसे शेरा के यहाँ पे चिन के ऊपर लग गया था अभी 2 दिन पहले ही, तो वो उसको करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। इमीडिएटली फर्स्ट लेवल पे आपको ये होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट एड। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सिट डाउन या आप जो है वो नेल्स कैसे कट करते हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारी एड्स चल रही है कि इलेक्ट्रिक निकला है कटर, पता नहीं ऐसे ऑटोमेटिक घूमने वाला लगा है, सब कुछ है, बट आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया है। एंड सिट डाउन सेरा, ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है। नॉर्मल अपना ये नेल कटर है इन लोगों का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के जो पॉइंटेड सेक्शंस है नेल का, बस आपको उतना ही उसको कट करना है, ज़्यादा दूर तक आपको नहीं लेकर जाना है उसमें, क्योंकि इनकी नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, जिससे उनको पेन ना हो और आपका भी काम बन जाए और उनको भी पेन ना हो। तो बहुत आराम से मैं इससे कर लेती हूँ। तो मोस्टली इन लोग रनिंग इतने ज़्यादा करते हैं तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है सारे नेल्स को ट्रिम करने की, लेकिन इनका जो अंदर वाला ये वाला जो नेल होता है ना, ये बहुत ये मतलब ग्राउंड के टच में आता नहीं है, ऊपर होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हो जाता है, जो हम पर खुशी खुशी में जो चढ़ जाते हैं वो हमको लगता है। तो यूजुअली ये वाले नेल बस को कट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस वाले नेल कटर से इनका काम कर देती हूँ। सो दिस इज़ द वन विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और ये शॉर्ट ब्रीड शॉर्ट हेयर के डॉग्स होते हैं, तो इनको कोमिंग की अलग से ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोम्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो हो गया आपका ईयर, हो गए आईज, हो गए नेल्स, हो गए। इसके अलावा रहता है चोट लगने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आपके पास आयोडीन का सोल्यूशन, बीटाडीन का सोल्यूशन, और ये मेरे पास कैलेंडुला का ऑइंटमेंट है, ये दो चीज़ें मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, क्योंकि इनके छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं, क्योंकि ये कैसे भी भागते हैं, यू नो ग्राउंड्स में चले जाते हैं, ये रोड में से आ जाते हैं, तो इनको कभी पर भी कहीं पर भी चोट लगती है, डेली हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि दो चीज़ें रहें, जिससे मैं इमीडिएटली बीटाडीन से क्लीन कर सकूँ, और फिर उनको सोते समय रात में मैं ये कैलेंडुला की ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, जो कि होम्योपैथी है तो इफेक्टिव रहती है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल, आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस 4 years नाउ। अब रही बात इनके दांतों की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके ऊपर पूरा ब्लॉग भी बना है कि ईयर्स इसका टीथ क्लीन कैसे करती हूँ। तो इसके लिए एक तो नॉर्मली आप ब्रश कर लो, इनके अलग से टूथब्रशेस भी आते हैं, और बहुत सारे टॉयज के मतलब यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, वो इनके स्टिक्स भी आते हैं जो मैं स्टार्टिंग में यूज़ करती थी। लेकिन क्या होता है ना, जो मार्केट में जो फैंसी चीज़ें अवेलेबल होती है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर पीपल लाइक अस। आई थिंक जो घरेलू चीज़ें हैं वो हम हमेशा कर सकते हैं, सो आई बिलीव इन दोज थिंग्स। फैंसी चीज़ें ऐसा है कि आप एक बार दो बार ले आओगे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और हमारे दो दो डॉग्स हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को सस्टेन करना, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी भूल जाते हैं लेकर आना, कभी ऐसा होता है कि यार लगता है कि ओवर बजट है, तो इसीलिए हम लोग वो नहीं करते हैं। मैं यूजली नॉर्मल हमारा टूथपेस्ट एक से रखा हुआ है, इससे मैं इनके टीथ क्लीन करती हूँ। अगर आप तो मैं तो भैया नॉर्मल ये टूथब्रश लेती हूँ और इसी से उनका काम चल जाता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल। और बहुत लोग पूछते हैं कि शैम्पू आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं ये देखिए पेट लव का शैम्पू है, ये मैं नॉर्मली शेरा के लिए यूज़ करती हूँ, और सिम्बू के लिए यूजुअली हमेशा मैंने मेडिकेटेड यूज़ किया है, कीटोक्लोर हो गया या मैक्सिजैम करके एक आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका हमेशा से कुछ ना कुछ इशू हमेशा रहती है। अब तो बिल्कुल अच्छा हो गया है, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं उसको यही वाला शैम्पू यूज़ करके देखूंगी। वैसे टिक्स होते हैं, एक दो बार लास्ट बारिश टाइम पे हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे हिमालय का यूज़ किया था, और एक शैम्पू था जो मेडिकेटेड ही था, वो मैंने यूज़ किया था। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से हम शैम्पू चेंज करते हैं। बिसाइड्स दैट, ये शॉर्ट ब्रीड शॉर्ट हेयर के डॉग्स हैं, तो इनको हेयर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर मेरे से कुछ मिस आउट हुआ होगा तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखना, और इसके अलावा आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग हमको वो भी कमेंट्स में लिखना, हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। देखिए उसको आंखें दिखा के ना ये करता है। तो दो डॉगर में जब साथ में होता है ना, यूजुअली ये जो छोटा वाला होता है, जैसा हमारा शेरू छोटा है, ये बहुत डोमिनेट करता है। तो वो चीज़ उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं कि दोनों इतने प्यारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। किसी किसी टाइम ये थोड़ा सा ओवर शेडो इसको कर देता है, बट अदरवाइज अगर बाहर के डॉग के सामने कोई बात आती है तो ये भाई अपने भाई को बचाने के लिए कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। वो अपने वीडियोज़ में देखा होगा। और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और मैं कुछ अगर मिस आउट कर रही हूँ या कुछ गलत बोल रही हूँ तो वो भी आप लोग हमको कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।